तो ये हैरान करने वाली तस्वीरें हमने आपको दिखाई और इंडिया 24/7 की मुहिम का असर दिखने लगा है। जबलपुर के डीएम ने खतरनाक जगहों पर सेल्फी कल्चर को रोकने का विचार किया है। खतरनाक जगहों पर सेल्फी लेने वाले सनकियों को अब सावधान रहना होगा। इंडिया 24/7 लगातार आपको दिखा रहा है किस तरह से सेल्फी लोगों की मौत की वजह बन रही है। कभी तेज बहाव में नदी किनारे सेल्फी तो कभी झरनों के बीचों बीच सेल्फी, इस तरह की सनक आपको आए दिन देखने को मिल जाती है। लेकिन अब ऐसा करने पर आप फंस सकते हैं कानूनी दाव पेच में। सेल्फी के जोखिम भरे शौक पर अब प्रशासन नकेल कसने की तैयारी में है। खतरनाक जगहों पर सेल्फी लेने की सनक में कई लोग अब तक अपनी जान गंवा चुके हैं। मध्य प्रदेश के जबलपुर में सेल्फी कल्चर पर नकेल कसने की तैयारी की जा रही है। जिला प्रशासन अब रिस्की जगहों पर सेल्फी लेने पर प्रतिबंध लगाने का विचार कर रहा है। यानी अब आपकी हजारों लाइक्स बटोरने वाली नदी, झरनों, गहरी खाई के किनारे ली गई सेल्फीज पर बैन लग सकता है। साथ ही वॉयलेशन करने पर सख्त कदम भी आपके खिलाफ उठाया जा सकता है। जिले के कलेक्टर ने बताया कि नदी में बोटिंग के वक्त सेल्फी लेना भी जोखिम भरा है, इसलिए उस पर भी प्रतिबंध लग सकता है। देखिए, बिल्कुल ऐसा है कि नदी नालों के किनारे और चट्टानों पर बैठ करके जो सेल्फी ली जा रही हैं, उससे गंभीर हादसे हो रहे हैं। कहीं भी खतरनाक प्लेसेज होंगे, चिन्हित प्लेसेज होंगे, तो उनको हम नोटिफाई करेंगे सबसे पहले, और इन इलाकों में जा कर के सेल्फी लोग ना लें, और उसका यदि वायोलेशन होता है फिर 188 के अंतर्गत एक्शन होता है। देखने वाली बात ये होगी कि जिला प्रशासन कब तक अपने इस विचार को अमल में लाता है और इससे सेल्फी लेते वक्त हादसों में कितनी कमी आती है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया 24/7।